अम्मी कह रही थी कि तुमने कोई खाना नहीं बनाया, आखिर चक्कर क्या है आज? खाना नहीं दोगी क्या? लेकिन अम्मी कह रही है कि तुमने तो कल का जो बासी खाना था वो दस्तरखान पे रख दिया। अम्मी तो अपना सर पीट रही है कि जब मैं आऊं मुझे बासी खाने खाने को मिलता है। क्यों कर रही हो तुम ऐसे आकर ऐसे मेरी अम्मी के साथ? सासू की आदत ही होती है ऐसी। यानी तुम्हारा मतलब है कि मेरी माँ जो जब तुमसे इतना प्यार करती है तुम उसको सास समझती हो? तुम्हारा मतलब है कि मेरी अम्मी की आदत बुरी है। लेकिन तुम सोचो कि अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ ऐसा करती तो फिर क्या होता? तो तुम अपनी अम्मी को बनाती, तुम मेरी मेरी अम्मी से बनाकर क्यों नहीं रख रही? आखिर मेरी अम्मी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। अब तुम्हारा पिता अगर तुम्हारे साथ ऐसा करे तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा भाई। तो फिर मुझे तुम बताओ कि आखिर क्या हाल है, तुम मेरी अम्मी का मूड कैसे ठीक करोगे? मैं आपकी अम्मी को एक कड़क मिक्सर की चाय बना के खिलाऊंगी। लेकिन मेरी अम्मी से आज तुमने वादा करना होगा कि आइंदा तुम उनका मूड कभी खराब नहीं करोगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी सास को कभी आज तक नाराज नहीं करूंगी। थैंक यू वेरी मच। ताली होनी चाहिए। भाई मुझे खुशी है आइडियल सास और आइडियल बहू दोनों जीत गए हैं ये मुकाबला। तालियां जोरदार होनी चाहिए। जरूर यहाँ पर मैं गुजारिश करूंगा हमारे ऑनबुल कपाल फिल्म मिश्र के टीलर्स यहाँ पर मौजूद थे और हमें बहुत फख्र है कि वो यहाँ पर हमारी खूबसूरत तकरीब में मौजूद है। उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस फख्र है। बहुत सी तालियों में मैं गुजारिश करूंगा जनाब बसू साहब से, जनाब नादिर साहब से तशरीफ लाए और हमारी दोनों फिल्म को एक एक गिफ्ट पेश करें। बहुत सी तालियां आप सबकी। और नीमा जी से गुजारिश है कि दो गिफ्ट यहां पर ले। इससे पहले कि आप जाएं हम चाहते हैं कि थोड़े से जज्बात का इजहार हो, जरा सा यहाँ पर आए, जरा सी बातें आपसे करें। कैसा महसूस हुआ आज हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया मैंने तो, बहुत इंजॉय। जीती रहे यही हम चाहते हैं कि आप इंजॉय करें। और आप कहें कैसा लगा? मैं तो बहुत इंजॉय किया, बहुत आप देख ही रहे हो। मेरे साथ अदाकारी करना भूलेगी तो नहीं कभी? थैंक यू वेरी मच। दोनों जाएंगे और बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच।